प्रदेश सरकार के आगामी बजट से पहले विधायक प्राथमिकताओं की बैठक के दूसरे दिन आज सुबह जिला कांगड़ा और किन्नौर के विधायकों, जबकि शाम के समय जिला सोलन, बिलासपुर और मंडी के विधायकों के साथ बैठक की। बैठकों में विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र की प्राथमिकताओं और सुझावों को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा, ताकि आगामी बजट में उसके लिए वित्तीय प्रबंध किया जा सके। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि बैठक में बजट से पूर्व विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र की प्राथमिकताओं को साझा किया है, जिसका आगामी बजट में विशेष ध्यान रखा जाएगा। आज जिला कांगड़ा के विधायक दल की बैठक थी। सभी विधायकों ने अपनी प्राथमिकताएं बताई और जो भी प्राथमिकताएं विधायकों ने बताई है वो बजट में दर्शाई जाएगी। निश्चित तौर पर बड़े अच्छे विचार, चाहे वो विपक्ष के विधायक थे, दो अनुभवी हमारे एक स्पीकर महोदय विपिन परमार जी थे और दूसरे अनुभवी हमारे विक्रम ठाकुर जी भी थे, भारतीय जनता पार्टी के थे। अच्छे सुझाव उन लोगों ने दिए, नए विधायकों ने भी अच्छे सुझाव दिए, केवल पठानिया जी थे, इन सब लोगों ने अच्छे सुझाव दिए और जो सुझाव उनके आए हैं उस पर हमारे अधिकारी पूरी तरह गौर कर रहे हैं। आने वाले समय में वो सब चीजों को हमारी विधायक प्राथमिकता में शामिल किया जाएगा। देखिए, बजट 70 अभी जल्दी ही हम इस पर फैसला ले लेंगे। मेरा मानना है कि मार्च में बजट 70 हमारा होगा। वहीं सीमेंट फैक्ट्री विवाद को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ट्रक ऑपरेटरों और कंपनी प्रबंधन के बीच चल रहे गतिरोध को तोड़ने के लिए मध्यस्थता कर रहा है और सरकार ट्रक ऑपरेटरों के हितों का ख्याल रखेगी। दोनों पक्षों के साथ वार्ता की गई है और जल्द समाधान निकालने का सरकार प्रयास कर रही है। देखिए, कल भी हमारी ट्रक ऑपरेटर से बातचीत हुई है। हम तो सिर्फ नेगोशिएशन की भूमिका अदा कर सकते हैं। जो सीमेंट कंपनी है और जो ट्रक ऑपरेटर्स है उनके बीच में एक आम राय बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं। जहां तक ट्रकर्स के हित की बात है, मैंने कई बार कहा कि ट्रकर्स हमारे प्रदेश के निवासी हैं, अपना रोजी रोटी ट्रक के द्वारा कमाते हैं, उनके हितों को ध्यान में रखा जाएगा और उनके हितों को ध्यान में रखकर ही हमने कल उनसे बातचीत की है। अब वो कल हमसे दोबारा मिलने आएंगे और अपना जो विचार है वो मेरे साथ हमारे साथ करेंगे। आज भी अभी मीटिंग में बैठे हैं, उनकी बात है और जहाँ सारी जानकारी मैंने ये कहा कि हम इसको समस्या को समाधान करना चाहते हैं। हिमाचल प्रदेश में बढ़ रहे नशे के प्रचलन को लेकर मुख्यमंत्री ने चिंता जाहिर की है और कहा कि सरकार नशे की रोकथाम के लिए सख्ती से पेश आएगी और आने वाले समय में इसको लेकर और भी ठोस कदम उठाए जाएंगे। सरकार को बने हुए कुछ ही समय हुआ है, नशे के खिलाफ हमारी सरकार कटिबद्ध है। समय दीजिए, आपके सामने परिणाम आएंगे। धन्यवाद। बर्फबारी के कारण मेरी राज्यपाल से बात नहीं हो सकी। हमारी जो जगह जम्मू कश्मीर में कुछ जगह पर हमें उन्होंने कब्जा कर रखा है, उस संदर्भ में मैं राज्यपाल से बात करना चाहता था, लेकिन भारी बर्फबारी के कारण मैं जम्मू कश्मीर नहीं पहुंच सका। इस कारण से बातचीत नहीं हो सकी, लेकिन इस बातचीत को आगे बढ़ाया जाएगा। शिमला से नीरज डोगरा की रिपोर्ट।